इसके पहले के वीडियो में हमने फुल बस्ट और कमर में क्या अंतर होता है और किस नाप से कटिंग करना चाहिए ब्लाउज या ड्रेस कुछ भी वो देखा था। तो आज के वीडियो में हम अगर फुल बस्ट और कमर में मतलब चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा फर्क होगा तो उसको ब्लाउज उसके नाप से कैसे कटिंग करना है तो वो देखेंगे। तो आज देखिए 38 की चेस्ट और 41 की फुल बस्ट के हिसाब से हम ये ब्लाउज का एक सैंपल दिखाऊंगा कटिंग कैसे करना है। तो पीछे का पार्ट जो है उसको तो सिंपल ही करना है। देखिए 38 की चेस्ट है और 41 की फुल बस्ट है तो इसमें लेंथ का तो कोई वो नहीं है, कितनी भी जो नाप हो उतनी रख सकते हैं हम, सिर्फ इसमें 14.5 रखते हैं तो 1 इंच ज़्यादा रखनी पड़ेगी 15 इंच। लेंथ में कुछ इसका इफेक्ट नहीं आता है तो लेंथ जितनी है उतनी ही रख देनी है 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के। उसके बाद इसका जो आर्मोल है वो 17 इंच है, 17 इंच, तो आर्मोल हम अभी 6-6.5 इंच नीचा रखते हैं अंदाजे से ये भी है, क्योंकि आर्मोल यहाँ से हम राउंड नाप करते हैं तो राउंड में जो होगा हमारा 17.5 उतना रखेंगे, मतलब 8.5 राउंड वो अभी नाप करेंगे तो दिखाऊंगा। मेन चीज़ है चेस्ट और फुल बस्ट वो देखनी है। तो इसमें चेस्ट 38 है और फुल बस्ट 41 है तो ये जो चेस्ट का नाप है उसके नाप से ही चेस्ट कटिंग करनी है। तो 38 का चौथा भाग कर देना है, यहाँ से हम 10 इंच गला नीचा उतारेंगे तो चेस्ट में कुछ लूजिंग रखना नहीं है। अगर बंद गला करना है तो 3 या 4 इंच लूजिंग छोड़, 3 इंच में छोड़ता हूँ वैसे, लेकिन 36 से ऊपर हो तो 4 इंच भी छोड़ सकते हैं किसी को लूज पसंद हो तो। अभी 38 ही रख देते हैं, उसका 4 पार्ट कर देंगे 38 का तो 9.5 9.5 आएगा। और यहाँ पे मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 से 1.75 इंच रख देंगे कि कभी लूज करना हो तो कर सके इसलिए। तो अभी आज हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्ती भी इसी नाप से कटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि फुल बस्ट और चेस्ट में ज़्यादा अंतर है इसके लिए, 3 इंच का फर्क है। इसकी जो वेस्ट है वो 35 है तो वेस्ट में भी कुछ नहीं करना है, मतलब पीछे का पार्ट जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। फुल बस्ट का इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, चेस्ट के हिसाब से और वेस्ट कमर के हिसाब से करना है। तो 35 की कमर है तो उसका भी 4 पार्ट कर देना है तो 9.25 होगा, 9 में थोड़ा सा कम, और 3 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा 3 इंच रख देना है, जिस जो पीछे डार्ट आएगा और मार्जिन आएगा दोनों इसी में आ गया। अभी इसका जो शोल्डर है वो हम 5.5 से 6 इंच रख सकते हैं तो इसमें हम 5.5 ही रखेंगे, 5.5, बहुत ज़्यादा बड़ा शोल्डर काटने से शोल्डर गिनने का प्रॉब्लम आ सकता है। और 3.5 यहाँ से ये रखेंगे, मतलब इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 2 इंच के आसपास आएगी, 2 इंच, और यहाँ से थोड़ा सा 1/4 इंच जितना क्रॉस हम कटिंग करते हैं ताकि शोल्डर ना उतरे, और ये आर्मोल के लिए यहाँ से शेप दे देना है और यहाँ से राउंड कटिंग ऐसे करनी है। तो देखिए हमारा आर्मोल 17 इंच है तो उसमें ये जो चेस्ट का मार्किंग है वहाँ पे 17.5 कर देना है, 8.5 आएगा ना, नहीं 9.25 आएगा, 9 में थोड़ा सा, 9 इंच में थोड़ा सा कम, तो यहाँ से राउंड में शेप में नाप करना है तो ये तो बहुत कम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आर्मोल को नीचे कटिंग करना पड़ेगा, कितना कम है वो भी देख लेना है। देखिए यहाँ से 8.25 है तो 1/2 इंच जितना नीचा उतारना पड़ेगा, जितना कम हो रहा हो आर्मोल उतना नीचा हम कर सकते हैं। और ये भी ज्यादा अगर क्रॉस लगे तो इसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे तो भी आर्मोल बढ़ जाएगा इस तरह। अभी एक बार और नाप कर लेना है, जो हमारा आर्मोल है उसका 1/2 हो जाना चाहिए, 9.25 तो यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ से हम कटिंग करेंगे यहाँ पे, और ये चेस्ट और वेस्ट दोनों का मार्किंग मिला लेना है ऐसे। और हमारा जो नेक है
वो कितना 10 इंच रखना है मान लीजिए, तो 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है और ये क्रॉस। और यहाँ से अगर ब्रॉडनेस चाहिए ज़्यादा नेक में तो इस साइड हम थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करेंगे इसको, और ये शेप जो भी शेप है वो दे देना है। लेकिन ये पेपर कटिंग में राउंड हम कटिंग करते हैं, फिर जो भी अगर ब्लाउज में दूसरा गला भी बनाना है तो वो भी हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये फर्मा जो होता है पेपर कटिंग, उसमें ज़्यादातर राउंड ही कटिंग कर देते हैं हम। ये आई थिंक थोड़ा सा ऊपर लेने की ज़रूरत थी, तो कटिंग करने के बाद भी एक बार नाप कर लेना है। ऊपर से यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है शोल्डर से, जो स्टिचिंग में कपड़ा जाएगा उसके लिए। तो ये बैक पार्ट हो गया, नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे। और यहाँ से डार्ट का भी मार्किंग कर लेना है। इसके ऊपर से अभी फ्रंट का कटिंग करना है, तो फ्रंट में थोड़ा ध्यान रखना है क्या कटिंग करना है। चलिए देखते हैं कि फ्रंट में क्या ध्यान रखना है अभी। तो देखिए अभी हम 4 डार्ट वाला ही देखेंगे इसमें कटिंग, क्योंकि डार्ट वाले में बड़े डार्ट लेने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर से फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसा होगा तो हम प्रिंसेस कट देख लेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में कटोरी वाला। तो ये बैक पार्ट तो सेम ही सब में कटिंग करना है, तो बैक पार्ट यही रहेगा सब में, लेकिन फ्रंट में सब अलग अलग। तो अभी सबसे पहले 4 डार्ट वाला देख लेते हैं कि क्या ध्यान रखना है। और उसमें बेल्ट करना हो तो भी इसी टाइप से कटिंग करना पड़ेगा। देखिए अभी इसमें फुल बस्ट का ज़्यादा मतलब है 41 है, और 38 की चेस्ट है, 3 इंच का फर्क है। तो यहाँ से अभी लेंथ में भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये 1.5 से 1.5, और इसकी चेस्ट साइज़ भी मतलब ज़्यादा है, तो 1.5-2 इंच तक इसमें लेंथ में ज़्यादा रख देना है कपड़ा। 1.5 इंच से 1.5-2 इंच रख सकते हैं। अगर कमर और वेस्ट का नाप और कम हो तो और भी ये हमको लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइड का डार्ट जो आएगा वो बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए लेंथ हमने ज़्यादा रखी हुई है इसमें। तो 1.5-2 इंच है, देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो इतनी लेंथ ज़्यादा रखी हुई है। और यहाँ से भी 1 इंच ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी है चौड़ाई में। तो ये जो साइड वाला आएगा डार्ट वो भी बड़ा आने वाला है इसके लिए, मतलब बड़ा डार्ट हम लेने वाले होते हैं तब कपड़ा भी ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी बड़ा डार्ट आता है। और यहाँ से हमारा हुकाई जो आएगा उसके लिए हमने 1/4 इंच और 1/2 इंच के बीच में थोड़ा कपड़ा रखा है, जितनी हम स्टिचिंग लेते हैं। 1/2 इंच से थोड़ा कम है, लेकिन 1/2 इंच के आसपास मान के चल सकते हैं, तो उतना रखा है। अभी साइड के जो डार्ट है उसके लिए हमें ये टक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, इधर से स्टिचिंग का छोड़ देना है, और डार्ट पॉइंट आई थिंक 10.5 से 11 आ सकता है इनका, तो 11 इंच डार्ट पॉइंट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जितना आया है 6 इंच, तो 6 इंच पे यहाँ पे ये साइड वाला एक डार्ट आएगा, और ये 1.5-2 इंच हमने रखा है लेकिन टोटल 2 इंच होगा। तो ये यहाँ से इस तरह क्रॉस में कटिंग होगा, और ये 1 इंच का डार्ट आएगा यहाँ से 1 इंच, इतना क्रॉस कटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1/4 इंच जो चेस्ट है उससे 1/4 इंच ज़्यादा कपड़ा रखना है, और इस साइड क्रॉस ऐसे कटिंग होगा, ये इस तरह, ये 1 इंच यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा इस तरह। तो ये जो डार्ट का हमारा स्टिचिंग आएगा उसका मार्किंग हो गया। अब सबसे पहले तो जो नेक है वो यहाँ से ही कटिंग कर लेना है। 7.5 रख देते हैं इसका नेक का कुछ नाप, मेरे कस्टमर का मतलब है नहीं, ये सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो जितना आपको नेक हो फ्रंट का उतना रख देना है। तो इसमें हमने 7.5 रखा है, और ये नाप में तो आई थिंक 8 इंच भी चलेगा, क्योंकि नाप बड़ा है इसके लिए। तो अभी देखिए नेक कटिंग कर देना है, नेक एकदम लास्ट में कटिंग करेंगे तो भी चलेगा, ये हिल जाएगा नहीं तो, देखिए हिल गया ना। तो फिर शोल्डर पे और आर्मोल पे इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, नेक शोल्डर और आर्मोल लेंथ और साइड में से ही बढ़ाना है।
ठीक है, तो ये कटिंग हो गया। अभी इसका जो आर्म होल है वो जो हम फ्रंट का कटिंग करते हैं उस तरह से कटिंग कर देना है ये थोड़ा सा। ये मैंने अंदाजे से ही किया, लेकिन सबको पता ही है कि हम आर्म होल कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से भी स्ट्रेट और यहाँ से भी स्ट्रेट रख के फिर राउंड से यहाँ से राउंड दे देते हैं। लेकिन मैं कभी ऐसे मार्किंग बहुत कम करता हूँ, डायरेक्ट देखने से आइडिया आ जाता है। लेकिन वैसे मैंने सारे वीडियोस में बताया हुआ ही है कि आर्म होल हम कैसे कटिंग करते हैं। अभी देखिए इसमें डार्ट लेना है तो इसकी वेस्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 35 की वेस्ट है तो उसका 8 पार्ट करना पड़ेगा, तो 9 36 समझ के चलेंगे तो 4.5 4.5 में थोड़ा सा कम आएगा, तो एक आध पॉइंट यहाँ से कम रख के मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये यहाँ तक का हमारा पेपर है तो फोल्ड करेंगे यहाँ से 1.5 2 इंच, ये 2 इंच तक रखेंगे क्योंकि इतना मार्जिन का कपड़ा है हमारा, बाकी का जो आएगा वो डार्ट आएगा 2 इंच में। ये 2 इंच यहाँ तक हो रहा है, डार्ट थोड़ा इसमें नॉर्मल से बड़ा ही लेना है। देखिए ये यहाँ से 1 इंच के ऊपर का डार्ट है, 1 इंच 1 पॉइंट है। आप चाहे तो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं डार्ट इसमें, ये वाला, अगर कमर में ज़्यादा डिफरेंस है तो ये, लेकिन कमर वेस्ट में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो चलेगा। और 11 डार्ट पॉइंट हमने रखा था यहाँ ऊपर से, तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, इतना लंबा ये आएगा। और ये जो मिडल का पॉइंट है वहाँ तक का लेंथ आएगा इसका डार्ट का। फिर अभी ये जो डार्ट है साइड वाला, ये इससे 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे, ये 5.25 इंच है तो यहाँ पे 1.25 इंच कर देंगे, 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से मैं अंदाजे से रखता हूँ, लेकिन 3 3.25 इंच के आसपास ही आता है। देखिए 3 इंच पे हम रख देंगे, ये यहाँ पे स्ट्रेट रख देंगे इसके सामने हो, जितना ये मार्किंग किया है उसी के एकदम सामने सीधा सीधा। और ये वाला डार्ट का मार्किंग भी इसके ऑपोजिट साइड डायरेक्ट सामने ही इस साइड। तो यहाँ से ये भी अंदाजे से वैसे मैं रखता हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा दूर रख देना है, 1.5 से 1.25 इंच है देखिए दूर। और ये वाला जो स्लीव्स का है वहाँ पे ऐसे लगा के देख लेना है टक्स का कि ये यहाँ से आर्म होल का शेप राउंड ही रहे वहाँ पे रखना है। तो देखिए यहाँ से राउंड ही रह रहा है आर्म होल का जो शेप है वो, तो यहाँ पे एक आएगा। और इसको भी 3 इंच से थोड़ा सा कम, वो अंदाजे से ही करता हूँ मैं वैसे, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा ये 3 इंच ही है। तो ये दोनों टक्स सेम जैसे ही होते हैं वैसे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये 4 डार्ट मतलब डार्ट वाला, हम टक्स बोलते हैं डार्ट को, तो 4 डार्ट वाला कटिंग हो गया। अभी स्टिचिंग के टाइम ये वाला डार्ट बड़ा आएगा, और चाहें तो यहाँ से भी जो हम नॉर्मल डार्ट लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, इससे डबल। ये 1/4 इंच की ही स्टिचिंग ये वाला जो हुकाई की साइड होता है वहाँ लेते हैं, लेकिन इसमें फुल बस्ट का ज़्यादा नाप है इसलिए 1/2 इंच स्टिचिंग लेके फिर डार्ट लेना है। और यहाँ पे भी 1 इंच का डार्ट आएगा 2 इंच, तो यहाँ से जो फुग्गा पड़ेगा पफ होगा वो बड़ा होगा और ये अपने आप ही फिटिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी हमने फुल बस्ट के हिसाब से ज़्यादा कटिंग चौड़ाई में भी किया हुआ है, ब्रॉडनेस में भी। तो देखिए ये 4 डार्ट वाला हो गया। इसी में से अभी प्रिंसेस कट आपको अगर कटिंग करना हो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में यही नाप से, और बैक साइड तो यही रहेगी, फ्रंट से अलग हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो प्रिंसेस कट कटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आगे के पार्ट में आई थिंक आप सभी को आइडिया आ गया होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें और भी ज़्यादा थोड़ा रखने की ज़रूरत है, तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नाप से प्रिंसेस कट कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।